उज्जैन की घटिया विधानसभा के कांग्रेस के विधायक रामलाल मालवीय ने वॉइस ऑफ राइट्स न्यूज चैनल पर चर्चा कर कहा कि मेरा मन बेहद ही दुखी है। मैंने राज्य सरकार सहित स्थानीय प्रशासन को पत्र लिखकर अवगत कराया। मेरी विधानसभा क्षेत्र में अंदर ही कुछ लोगों का निधन हुआ है। उपचार सही तरीके से न होने के कारण मेरी विधायक निधि से 20 लाख रुपए देने की घोषणा की है, ताकि गंभीर महामारी कोरोना वायरस से मरीजों का उपचार हो सके, ताकि सही तरीके से उन्हें सुविधाएं मिल सके और हम सभी राशि उपलब्ध कराएंगे। तन मन धन से खड़े हुए हैं जनता की सेवा के लिए, पर बड़ा दुख तो होता है जबकि राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन व्यवस्थाओं को बनाने में असफल नजर आ रही है और गंभीर महामारी कोरोना वायरस को रोकने के लिए ठोस कदम प्रयास दिखाई नहीं दे रहे हैं। साथ ही जिन घरों में विवाह होना है उन परिवारों को भी छूट दी जाए, ताकि वह अपने बेटे और बेटियों के विवाह बड़ी ही खुशी के साथ संपन्न कर सके। पत्र लिखकर अवगत कराया गया है कि स्थानीय प्रशासन को और राज्य सरकार को कि विधायक रामलाल मालवीय ने वॉइस ऑफ राइट्स न्यूज चैनल पर खास चर्चा की। हम लोग को 3 दिन से बड़े दुखी है मन में। दुखी इस बात के कि सरकार पिछले 1 साल से कोरोना के नाम पर एक भी मरीज की व्यवस्था नहीं कर पा रहे। पिछले 17 तारीख से लगाकर आज 21 तारीख हो गई, एक जगह एक अस्पताल में भी एक बेड की व्यवस्था नहीं है। जब भी बोले हम लोग फ़ोन करें प्रशासनिक अधिकारियों को, बेड खोले, हमारे पास व्यवस्था नहीं। 3 दिन में 3-4 लोग हमारे नज़दीक जो हमारे क्षेत्र के थे, नज़दीक थे, वो तड़प तड़प के बाद इलाज के अभाव में वो असमय मृत्यु उनकी हो गई है। मैंने कल भी कहा और आज भी ये मेरा सीधा सीधा इस बात के लिए आरोप है प्रशासन पे कि हम लोग जो मरीज बाहर आ रहे हैं उनको इलाज हम लोग करना चाहिए, उनको कैसे भी व्यवस्था आपको करना चाहिए। मैंने परसों कल कलेक्टर साहब को एक पत्र देकर आया हूँ, उसमें 20 लाख रुपए हमने विधायक निधि से ऑक्सीजन खरीदने के लिए, बेड खरीदने के लिए, दवाइयाँ के लिए, इंजेक्शन के लिए जो चाहिए हम लोग देने के तैयार हैं, और भी आपको आवश्यकता लगेगी देंगे, लेकिन किस प्रकार किसी भी हालत में हम लोगों को आने वाले समय में हमारे क्षेत्र के या जिले के जो भी जनपद जहाँ भी जो हमारे जो बीमार दुखी लोग आए उनको हमको इलाज करना चाहिए। तो देखा किस प्रकार से जो है हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद थे इस समय घटिया विधानसभा कांग्रेस के विधायक रामलाल जी मालवीय साहब, जिन्होंने स्पष्ट कहा कि मैंने फोन के माध्यम से साथ ही उज्जैन जिलाधीश को भी अवगत करवाया, साथ ही यहाँ के जो प्रभारी मंत्री हैं मोहन जी यादव साहब उनको भी अवगत करवाया है। और ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों की मदद करना चाहिए, ज़्यादा की परमिशन ना देते हुए भले कम की परमिशन दी जाना चाहिए और उनके घरों में विवाह यथासंभव होना चाहिए। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा, वॉइस ऑफ राइट्स। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।